हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल शर्मा में। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी जो नई वीडियो है उसका टाइटल है पत्नी को वश में करने का तांत्रिक उपाय एवं टोटका व तरीका। दोस्तों, आज हम आपको पत्नी को वश में करने के कुछ तांत्रिक व साधारण से उपाय बताएंगे जिसके द्वारा आप अपनी पत्नी को वश में कर पाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, बताना चाहेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी हर वीडियो आसानी से मिल सके, और साथ ही दिए गए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी भविष्य में आने वाली हर वीडियो, हर अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। दोस्तों, जिन मंत्रों के द्वारा किसी भी प्राणी को रिश्तों को अपने वश में किया जाए और अपनी कामना पूर्ण की जाए, उसे वशीकरण कहते हैं। वशीकरण मंत्र का जो उपयोग है, जो प्रयोग है, पति पर, पत्नी पर, मित्र, शत्रु या जिनसे आप कुछ काम निकलवाना चाहते हैं उन पर किया जा सकता है। अपने वशीभूत करने की यह प्रक्रिया वश्यम क्रम कहलाती है। वशीकरण की देवी सरस्वती होती है। वशीकरण का प्रयोग अगर वसंत ऋतु में किया जाए तो बहुत ही आसान और अच्छा होता है। वशीकरण प्रातः काल से कुछ समय पश्चात दक्षिण दिशा की ओर बैठकर किया जा सकता है। वशीकरण में लाल वस्त्र तथा मूंगा, हीरा एवं अलग अलग रत्नों की माला जो है वो धारण कर सकते हैं, जिनसे कि आप जितनी जल्दी हो सके आप वशीकरण कर सकते हैं। इसके लिए अनुकूल होती है वशीकरण में राई लवण का हवन, बहुत ही अनुकूल होता है। दोस्तों, वशीकरण कब करना चाहिए ये भी आपको अब हम बताते हैं। वशीकरण आपको कब करना है? वशीकरण के लिए आपको ताम्र कलश, मतलब कि तांबे का कलश, सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन बहुत ही उपयुक्त होता है। वशीकरण का प्रयोग करने वाले साधक को हमेशा मीठी वाणी, मधुर और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पत्नी वशीकरण मंत्र के बारे में। अपनी पत्नी को वश में करने के लिए शांत स्थान पर बैठ जाएं और जिस स्त्री को मतलब अपनी पत्नी को वश में करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो के सामने दिए गए मंत्र का, जो हम मंत्र आपको दे रहे हैं, 131 बार उसका जाप करें। वो युवती आकर्षित होकर दौड़ी चली आएगी। यदि 7 दिन तक सोते समय लगातार नियमित रूप से यह उपाय किया जाए, वह स्त्री अपने आप आपके पास आ जाएगी। परंतु ध्यान रहे, इस मंत्र का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने स्लाइड में आपको यह मंत्र दिया है, आपको इस मंत्र का उच्चारण बहुत ही सही से करना है। एक बात का और ध्यान रखिए, वशीकरण करते समय शुद्धता और पवित्रता के साथ साथ मन की एकाग्रता का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वशीकरण संभव हो पाता है। तो दोस्तों, आज के बताए गए उपायों में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत हमारे पंडित विशाल शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे सलाह विमर्श आप कर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।